हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्ड फूड एंड ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपको कटहल का कोरमा और गार्लिक पराठा बनाना बता रही हूँ। ये जो गार्लिक पराठा है, इसका जैसे चीला बनता है, पतला डो बना के इसको बनाया जाता है। आप देखिए ये कितना नरम है खाने में और बनने में भी बहुत आसान है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैं ये कैसे कटहल का कोरमा और गार्लिक पराठा बनाना बता रही हूँ। कटहल का कोरमा बनाने के लिए मैंने कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी कटहल का सीजन है और बहुत अच्छा और ताज़ा कटहल मिल रहा है, तो ये कोरमा के लिए मैंने ये कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं एक पैन चढ़ाऊँगी उसमें प्याज भूनने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया है मेल्ट होने के लिए। अब हम इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डालेंगे भूनने के लिए। ये रेसिपी बहुत लजीज बनती है। इसको अच्छे से फ्राई करके हमें प्याज को पीसना है। इसे तेज आंच करके हल्का ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे, जिससे इसका जो प्याज का है वो एक तो कच्चापन भी निकल जाता है और इसको डालने से सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बड़ी आसान रेसिपी है। आज गार्लिक पराठा के साथ हम कटहल का कोरमा बनाना बता रहे हैं। प्याज को मैं हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। जब तक प्याज भुनता है, हम कटहल के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच ताजी दही। ये घर में बना हुआ ही दही है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ी सी हल्दी, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक ले लें, और ये घर में कुटा हुआ गरम मसाला है। क्योंकि मैंने 1/2 किलो ही कटहल लिया है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको मसाला। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो मसाला को थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये है 1 चम्मच दरदरा सौंफ। सौंफ इस मसाले में बहुत ही डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो एक कोरमा में फ्लेवर आएगा। इन सभी मसालों को हम मिला लेते हैं। ये रेडी हो गया है मेरा मसाला। मैंने इसमें नमक डाला है, इसलिए अलग से कटहल में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्याज रेड हुआ है या नहीं। प्याज हो गया है ब्राउन। आप इसको तेल में तल भी सकते हैं प्याज को, लेकिन मैं इसको थोड़े से बटर में आंच को धीमा करके इसको रोस्ट किया है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये प्याज हो गया है, इससे ज़्यादा इस प्याज को जलाना नहीं है, नहीं तो फिर वो आपका कोरमा का टेस्ट खराब करेगा। अब हम एक हांडी चढ़ाते हैं कोरमा बनाने के लिए। हांडी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। हांडी में मैंने घी डाला है। कोरमा बनाते समय मैं बटर का प्रयोग नहीं कर रही, इसमें घी डाला है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, 1 लाल मिर्च और ये खड़ा गरम मसाला जिसमें काला जीरा, इलायची, हर कुछ है। सभी तरह के गरम मसालों को मिला के मैंने एक साथ रखा हुआ है। जीरा, साह जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग बहुत ज़रूरी है इस कोरमा के लिए। के बाद डालेंगे कटहल।
कटहल को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कसापन होता है वो निकल जाए। ये बड़ी लजीज रेसिपी है, आप इसको प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको गार्लिक पराठा के साथ आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा अदरक छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसमें हम टमाटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं इसमें दही, इसके ग्रेवी के लिए दही करके तैयार करके रखी हूँ मसालों के साथ। अब देखिए कटहल काफ़ी अच्छे से तल गया है, इसके अंदर का जो कसापन था वो निकल गया है, जिससे कि आपके कोरमा में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब जो दही का मसाला मैंने तैयार करके रखा है उसको मैं इसमें डालूंगी। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, और जो ये मसाला वाला बाउल है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के रख लेंगे, जब हमको ग्रेवी में डालना हो तब हम उसको प्रयोग करेंगे। आंच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और इस कोरमा को हम उसमें पकने देंगे। दही है ये खुद ही अपना वो जो होता है उसका भुनने के बाद उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसको भूनोगे तो। बड़ी बड़ी लजीज बनती है ये सब्जी। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग करें ताकि सब्जी तीखी भी ना हो और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा है। ये सब्जी बहुत अच्छा रंग पकड़ रहा है आप देख रहे हैं, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब जो प्याज मैंने भून के पीस के रखा है मैं उसे इसमें मिला दे रही हूँ। इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरमा का ग्रेवी हमेशा ही ठीक होता है। अब आंच को गैस को थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इस सब्जी को भूनेंगे। ये कोरमा बहुत लजीज बनता है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करो। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप कटहल को काट के उबाल के फ्रिज में रख लो और उसके बाद बनाओगे तो फिर वो बहुत जल्दी बनेगा कटहल। और ये कटहल थोड़ा अभी बिल्कुल ताज़ा है और बहुत बड़ा नहीं हुआ, इसमें सीड नहीं आया है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा उबालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बड़ा और सीड वाला कटहल लेते हैं तो आप उसको सीटी लगा के बनाएंगे। ये मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, आप देख रहे हैं कि ये जो तेल है वो किनारों पे आ गया है। ये एक शाइन होता है कि आपका जो मसाला है ग्रेवी जिसकी आप बना रहे हो वो मसाला आपका भुन गया, ये इसको कहते हैं कड़ाही तेल छोड़ दे रहा है, वो मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 6 से 7 काजू का को मैंने हल्का सा पानी में डाल के पीसा है, उसको इसमें मिलाएंगे। बस अब इसको आंच को सिम करके जो मसाला मैंने दही वाला मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसको उसमें डाल दूँ। अब आंच को थोड़ा सिम करके इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसके ढक्कन को हटा के चेक करते हैं। कैसा बना है, ये ऐसे ही थिक ग्रेवी होगी इसकी, इससे पतला ग्रेवी नहीं करना है। मेरा ये कटहल का कोफ्ता कोरमा रेडी है। अब हम ऊपर से इसमें धनिया का पत्ता डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, इसको गार्निश करने के लिए।
अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये कटहल का लजीज कोरमा बनके रेडी है। अब मैं आपको गार्लिक पराठा बनाना बताती हूँ। मैंने कोरमा को एक बाउल में निकाल लिया है सर्व करने के लिए, और इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। सर्व करने के लिए ये रेडी है कोरमा। गार्लिक पराठा बनाने के लिए मैंने मैदा ऑल पर्पस फ्लोर एक बड़ा कटोरा लिया है। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन। ये पराठा जो बनता है उसको बेलना नहीं है, इसका हम लिक्विड डो बनाएंगे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च कटा हुआ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर या घी। मैं तो घी, शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने घर में बना हुआ। घी डालेंगे और फिर इसमें पानी डाल के, बहुत पतला भी नहीं करना है इस डो को और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। पैनकेक की तरह इसका बैटर बनाना है। इसको हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि एक भी गांठ इसमें नहीं रहे, तभी आपका जो गार्लिक पराठा है वो थोड़ा फूला फूला बनेगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देंगे हल्का सा फ्लेवर के लिए, हाथ से मसल के कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इस पराठा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। ये गार्लिक पराठा का बैटर रेडी हो गया है। अब देखिए ये ऐसा होना चाहिए ना, बहुत पतला। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत ही थिक नहीं है। अब एक चढ़ाएंगे पैन या तवा और फिर इसको हम बनाते हैं। अब हम एक तवा चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं, आप इसे ब्रश से भी तवा को थोड़ा ग्रीस कर सकते हैं। तवा जब गर्म हो जाए तो आप बटर या घी, मैं शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसमें ये बैटर को हम डाल के, जैसे डोसा बनता है उस तरह आप डोसा या चीला आप इस तरह उसको फैलाइए, और आंच को बहुत तेज मत करिए क्योंकि फिर ये बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, नीचे साइड से लगना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जब इसका मॉइस्चर हट जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। ऊपर से थोड़ी सूखी सूखी लगेगी तब इसको हम पलटेंगे। ये मॉइस्चर इसका निकल गया है। इसको फिर हम पलट के धीरे धीरे चारों तरफ से इसको दबाएंगे। ये बहुत ही अच्छा बनता है। प्लस ये पराठा बैचलर्स भी बना सकते हैं क्योंकि उन्हें बेलने नहीं आता या डो बनाने नहीं आता आटा का, तो जस्ट इसका ऐसे आप बना लो और फिर उसे तवा पे डोसा की तरह फैला दीजिए।
ये आंच को थोड़ा सा धीमा करके, चूंकि मैंने ये घी डाला है इसलिए तवा से थोड़ा धुआं सा उठ रहा है, घी के कारण, घर का बना हुआ घी है। आप आंच को सीमा कर दीजिए और धीमे आंच पे इसको दबा दबा के करारा सेकना है। इस तरह धीमी आंच पे बनाएंगे पराठा को। थोड़ा सा घी डालेंगे, और इसे दोनों तरफ से करारा सेकेंगे। इस तरह सभी पराठा को हम दोनों तरफ से भली भांति सेक लेंगे। धीमी आंच पे धीरे धीरे हम इस पराठा को सेक लेंगे, और इसी तरह बाकी पराठा को भी हम बना लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। इस पराठा के हर एक बाइट में आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो बाइट मिलता है, जिसके कारण ये पराठा लजीज बन जाता है खाने में, और सभी को ये पराठा बहुत पसंद आता है। ये कटहल का कोरमा और गार्लिक पराठा रेडी है। आप इसको जरूर से अपने घर में बनाइए, और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, और अच्छा और प्यारा कमेंट्स दीजिए ताकि हमें थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले और मैं इस तरह आपको नित नए व्यंजन बना के आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद।